हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है और ये डे का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम में है। तो डे टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या है कि मार्केट अभी हाई के आसपास है और यहाँ से पिछला रिजेक्शन भी यहाँ इन्होंने देखा है कि जब भी हाई के आसपास जाने की कोशिश किया तो रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ फिर से एक हाई के आसपास है, लेकिन पहले भी यहाँ से कोशिश किया गया है, फिर सेकेंड टाइम भी ऐसे ही रिजेक्शन मिला। तो हो सकता है एक प्रोजेक्शन बना करके मार्केट ये अब क्या है कि अब ट्रेंड की ओर ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक ना। तो अभी तक का मार्केट जो अपना हाई लगाई है वो 41,840 के आसपास का हाई है इसका। तो देखते हैं कल का मार्केट हमें, नेक्स्ट 26 को तो क्लोज है, 27 अक्टूबर को एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी में देखते हैं कैसा मूव हम सबको मिलने वाला है। तो हम लोग पहले चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, वहां देखते हैं कि क्या हमें एक्सपायरी के दिन मिल सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो मार्केट हमें एक नेगेटिव कैंडल के साथ गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग के बाद एक प्रोजेक्शन बना के जस्ट ऐसे ही टाइम पास करती है, लास्ट में एक अच्छा सा मूव देती है, डाउन साइड और अप साइड भी देती है। तो ये हमारा, अब देखते हैं कि नेक्स्ट डे एक्सपायरी के दिन हम लोग इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। तो एक्सपायरी के दिन हमें जो ट्रेड मिलने वाला है इसमें, तो कॉल के साइड में अगर देखा जाए तो कॉल के साइड में जो रिक्शी ट्रेडर हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपनिंग के बाद जैसे ही मार्केट 41,433 के अब एबव जाना शुरू करे, जैसे ही नेक्स्ट या कैंडल स्टैंड करे, आप मतलब रिक्शी ट्रेडर वो यहीं बैठ सकते हैं कॉल के साइड में और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो मिलने वाला है 41,540 के आसपास मिलेगा नेक्स्ट टारगेट। अगर इसके ऊपर अगर देखा जाए तो 41,629 हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है और यहाँ थोड़ा सा मार्केट फंस सकती है और यहाँ से आपको क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, उसके बाद इसे भी अगर ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद अपसाइड अगर मूव देती है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल होने वाला है वो 41,674 के आसपास हमें यहाँ मिलने वाला है और ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बस छोटा छोटा सा टारगेट है। और छोटा छोटा टारगेट इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि अप साइड में थोड़ा सा मतलब लोगों को मतलब फंसा सकती है, कभी भी मतलब आपको लगेगा कि नहीं कहाँ से मतलब रिटर्न ले ले, रिजेक्शन ले ले, इसलिए मैं छोटा लेवल दे रहा हूँ ताकि आपको मतलब मतलब ट्रेल कर सके, एसएल को और प्रॉफिट को ट्रेल कर सके, ठीक ना। नेक्स्ट टारगेट हमारा जो 41,840 के आसपास है जो कि ये हाई हमारा है और हाई के आसपास मार्केट आके जैसे ही यहाँ से हो सकता है रिजेक्शन ले या तो फिर मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड मतलब ऊपर की ओर भागने का कोशिश करे, ठीक ना। तो यहाँ से हम प्रॉफिट बुकिंग करने का भी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ अगर मतलब कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं या तो फिर अधिक मैक्सिमम आपके पास लॉट साइज है तो मैक्सिमम बुक करके आप 10% या 20% को आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं अपसाइड के लिए। और अपसाइड अगर देखा जाए तो उधर फिर 41,840 के अबव तो पूरा खाली है, मार्केट जहाँ भी जा सकती है, कुछ बोला नहीं जा सकता है। हाँ, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, ठीक ना, मार्केट अगर 41,600 के आसपास खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है या तो फिर 700 के आसपास खुल जाती है, तो गैप अप खुलने के बाद एक बार आप रीटेस्ट का वेट करेंगे। रीटेस्ट कहाँ तक का, रीटेस्ट जब भी 41,433 के आसपास आकर के रीटेस्ट करे, इस लेवल पर आके रीटेस्ट करे 41,433, तो यहीं से हम लोग एक कॉल का पोजीशन फिर से बनाएंगे और हमारा नेक्स्ट लेवल इसी तरीके से सारा लेवल सेम ड्रो यही है, सेम लेवल हमारा यही है कॉल साइड के लिए अगर गैप अप ओपनिंग होकर के अगर रीटेस्ट करता है। तो हम पुट साइड की ओर देख लेते हैं, पुट साइड के और क्या हो सकता है। पुट साइड की ओर देखने के लिए चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो 5 मिनट में जब भी मार्केट आपको इस लेवल पे मिले, ठीक ना, ये लेवल क्या है 41,122, ठीक ना, इस जगह पे जब भी मार्केट आपको मिले आप क्या है कि यहाँ से रिक्शी ट्रेडर ट्रेड ले सकते हैं 41,122 के नीचे और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो 41,000 का टारगेट होगा, ठीक ना। 41,000 के आसपास हमें प्रॉफिट बुकिंग आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, और जो सेफ ट्रेडर है वो 41,000 के नीचे ही ट्रेड करेंगे, सेफ ट्रेडर 41,000 के नीचे ट्रेड करेंगे और इसके नीचे अगर देखा जाए तो नेक्स्ट हमारा जो लेवल निकल के आता है वो 41,000 हाँ सॉरी 40,000
862 के आसपास हमारा जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो टारगेट मिलता है 40,862 के आसपास है। और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं, लेकिन यहाँ से एसएल ट्रेल जरूर करेंगे, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी है तो एक अच्छा मूव दे सकती है हमें। एक अच्छा मूव प्रॉफिट तभी आप ले पाएंगे जब आप एसएल को ट्रेल करेंगे। और एक्सपायरी है प्रीमियम डीके, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। प्रीमियम डीके होगा क्योंकि एक दिन मार्केट बीच में छुट्टी भी है, और इसके बाद भी अगर मार्केट इसे भी ब्रेक करती है, एक लेवल है और एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगी, सपोर्ट का भी काम करेगी, दोनों साइड से। ये जब भी मार्केट डाउन साइड आ रहा हो तो ये एक सपोर्ट का काम करेगी, जब डाउन से अप जा रहा हो तो रेजिस्टेंस का भी काम कर सकती है, ठीक ना। 41,862 के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा, सॉरी 40,862 के बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा 40,730 है, ठीक ना। बढ़िया से आप देख लेंगे, 40,730 के आसपास हमारा नेक्स्ट लेवल है, जो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कर लेना होगा, क्योंकि इसके बाद मार्केट आपको कंफ्यूजन में डाल सकती है। और सारा प्रॉफिट बुकिंग अगर देखा जाए तो आपको 40,500 के आसपास सारे प्रॉफिट को बुक कर लेना है, क्योंकि इसके बाद मार्केट नीचे जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक अच्छा मूव तब तक मिल जा चुका रहा होगा। तो ये लेवल वाइज अगर आप ट्रेड करेंगे तो इसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक ना, मार्केट अगर गैप डाउन खुले, मार्केट चलिए 40,800 के आसपास खुल जाए, 40,700 के आसपास खुल जाए, तो जब भी मार्केट गैप डाउन खुले तो आप रीटेस्ट का वेट करेंगे। कहाँ तक का? 41,122 तक का। 41,122 का रीटेस्ट आपको जब भी मिले, और यहाँ से एक रिजेक्शन, एक नेगेटिव कैंडल जैसे ही आपको देखने के मिलो, उस नेगेटिव कैंडल को एसएल समझ करके जो भी कैंडल बनाए, या तो फिर हैमर बनाए, इन्वर्टेड हैमर बनाए, पर इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार वगैरह जो भी बनाए, तो आप उसको एसएल समझ करके नेक्स्ट टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा, इसी तरीके से ये लेवल हमारा डाउन साइड के लिए लेवल कंटिन्यू बनता चला जाएगा, ठीक ना। 40,500 के बाद भी अगर अगर कोई लेवल आप देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो निकल के आता है लेवल, वो 40,346 के आसपास आता है। और यहाँ तक तो जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ एक लेवल दे दे रहा हूँ, ताकि आप लोग लेवल से आप अपना ट्रेल कर सकते हैं प्रॉफिट को। तो ये हमारा अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड का मैं बता दिया, कॉल और पुट साइड दोनों का सिनेरियो। और एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन आपको थोड़ा बहुत ही सेफली ट्रेड करना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन आप फर्स्ट आवर जो होगा, फर्स्ट जो होगा उसमें आप क्या है कि नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ट्रेड ले सकते हैं, और सेकेंड हाफ जो होगा उसमें आप सेम डे का एक्सपायरी का ट्रेड करेंगे, तो प्रीमियम डीके का जो होता है, या तो फिर वो इशू आपके साथ नहीं होगा। हाँ, और बाकी अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देंगे और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल, इसी तरीके से आप जबरदस्त मैसेज वीडियो के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।